जब लोग भी शराब से जुड़े हुए थे और वो उसके काम को छोड़ करके दूसरे तरफ किए, तो हम लोगों ने तो 2018 में सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू किया था, गरीब गुरबे के लड़कों को, बच्चियों लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए जिनको कोई चीज से मतलब नहीं था, तो उन लोगों को प्रेरित करने के लिए हम लोगों ने सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू किया। और जो शराबबंदी लागू किए थे तो हमने सतत जीविकोपार्जन योजना का भी एक हिस्सा रखा कि कोई भी अगर शराब का काम करते थे उसे छुटकारा लेंगे, उनको मदद किया जाएगा। और उसमें कितने लोगों ने लाभ लिया आप समझ लीजिए। और उसी में कहा था कि आप देसी शराब जो है उससे मुक्ति पाइए, और ताड़ के पेड़ से जो ताड़ी की जगह पर आप जब नीरा का उत्पादन करिएगा तो आपको लाभ मिलेगा। और उसका लाभ लोगों ने लिया है, 40,893 परिवार के लोगों ने, और सब लोगों के लिए इन सब लोगों को फायदा शुरू हो गया। और जितने लोगों को मदद की जाती है उसमें से बहुत लोगों ने गाय पालन किया, बकरी पालन किया, मुर्गी पालन किया, शहद उत्पादन किया, छोटे व्यवसाय किया, और दुकान को दुकान एवं कृषि के कार्यों में काम किया। तो भाई ये सब जो किया जा रहा है तो लोग तो फायदा ले रहे हैं। तो अभी तो हमने कहा है भाई, पिछली बार हमने कह दिया था कि अगर इसमें होगा तो सतत जीविकोपार्जन योजना का और एक्सपेंशन किया कि अगर कोई ताड़ के पेड़ से ताड़ी को छोड़ करके अगर नीरा पर लगेगा तो उसको हम लोग देंगे कि और काम करने के लिए आपको 1,00,000 रुपए तक की मदद दी जाएगी सरकार की तरफ से, ताकि ये काम करिए। अब जरा बोलिए, सरकार इतना मदद दे रही है और तब भी कुछ लोग क्या कर रहा है भाई, जगह जगह लोग अपना कर रहा है, क्या मतलब है? आपको अगर आप जान रहे हैं कि ताड़ी कोई फायदे की चीज है, शराब से जुड़ा हुआ चीज है, और नीरा कितना लाभ देने वाला चीज है लोगों को, और अब नीरा कितना लोग पीते हैं, टहलते जाते हैं लोग करते हैं, और कितना अच्छा होता है उससे उसका स्वास्थ्य। तो नीरा का उत्पादन करें, और आप लोग उस काम को छोड़ करके या कोई भी लोग शराब से जुड़े हुए उसके लिए भी हम लोगों ने किया है कि भाई पकड़ाते हैं, गिरफ्तारी होती है, बहुत लोग परेशान होते हैं। तो हमने तीन लोगों को कहा कि असली जो धंधा करता है भीतर में, असली उसी को खोज करके पकड़िए, और बाकी तो अपने बाहर नहीं निकलता है, गरीब गुरबा तबके के लोगों को अपना काम में लगा देता है, कुछ पैसा देता है। तो वैसे सब लोगों को आप जोड़ लीजिए जो गड़बड़ी करता है, उसको पकड़ करके जेल में भेजिए, और जो वैसे लोग जुड़े हुए हैं उन सब लोगों को प्रेरित करिए, कहिए कि भाई हम आपको मदद कर रहे हैं, किसी भी परिवार को 1,00,000 रुपया तक का मदद करेंगे, आप कोई दूसरा काम शुरू करिए। अब कोई दूसरा काम शुरू करेगा तो कितना बढ़िया होगा। तो अब जो हम लोग कह रहे हैं, अब एक नया हम और बनाने जा रहे हैं, अब इस कानून में हम और जोड़ने जा रहे हैं सतत जीविकोपार्जन योजना। सतत जीविकोपार्जन योजना में अब कोई भी इस काम को करेगा, शराब वाले धंधा के साथ जुड़ेगा नहीं, बाहर रहेगा गरीब गुरबा तबका, उनको सरकार देगी 1,00,000 रुपया, दूसरा कोई काम करना शुरू करेगा। अभी कई चीजों का नाम बता दिया, गाय पालन, बकरी पालन, कोई भी काम आप कर सकते हैं, किसी भी तरह का व्यवसाय कर सकते हैं, उसमें आपको पैसा मिलेगा। लोग कितना लाभ ले रहा आप समझ लीजिए। जो हमने कहा सतत जीविकोपार्जन योजना, 1,47,000 परिवार ने सतत जीविकोपार्जन योजना का लाभ लिया। अगर इसी तरह से करिएगा, हम तो और 1,00,000 वाला कर रहे हैं, पहले 60,000 था, अब तो हम 1,00,000 रुपया कर दिए हैं। अगर इसमें जो आप इससे मुक्ति पाइएगा तो और कितना आगे काम करिएगा, और भी आगे देखेंगे कि और ज्यादा लोगों को सहयोग की जरूरत है, वो करिए। दारू कितना खराब चीज है भाई।